Written on the wall above the door of paradise in green and gold letters. Our Redeemer on the Day of Judgment is Muhammad Arabi. Peace be upon him. Ali is my Imam and I am Ali's slave. In the name of Ali, thousands of lives are ready to sacrifice. Translation of Hazrat Amir Khusro's couplet from the book Mathematical Mysteries of Alphabets by Akhtar Mohit Shah Al whose voice will be used in the first ever podcast by an Asian Sufi, Darwesh, or mystic from the city of Manchester, UK. <inaudible> मेरी फ़िक्र की रोशनी का बहाव मेरी फ़िक्र ने कहा कि सबसे पहले अल्लाह की वैदानियत बयान कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन इस दुनिया में एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर तो शरीफ लाए क्या सबका पैगाम एक था या अलग अलग था अगर अल्लाह के पैगम्बर थे तो सबका पैगाम लाजमी एक ही था और वो क्या था अल्लाह ताला की वहदानियत अल्लाह ताला वाहिद है और उसका कोई शरीक नहीं अगर ये यकीन हो जाए कि वो है तो हम अकेले नहीं होंगे अगर अकेले नहीं होंगे तो गलत काम हम कैसे करेंगे इसलिए ना फौज की ज़रूरत होगी ना पुलिस की ज़रूरत होगी सिर्फ़ अल्लाह का यक़ीन हो जाने से तमाम मुश्किल से बच जाएंगे फिर वसल्लम सहमत आलमीन है इसका सवाल नहीं कि कोई मानता है या नहीं मानता वो आलमी इनके लिए रहमत है और दूसरा पैगाम यह था अल्लाह का shall नॉट किल किसी की जान मत मारो और फॉर गिव फॉर गिवनेस माफ कर दो और यह दरवाजा किसी भी हालत में बंद मत करो कैसे भी हालात क्यों ना हो इवन किलर की भी जान मत मारो मुआवजा लेकर छोड़ दो या लाइफ प्रिजन कर दो किसी भी बेगुनाह को किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता कैसे भी हालात क्यों ना हो कि जान मार दो और ये याद रखो किसी भी काम करने से पहले ये सोच लो कि वो नाराज़ ना हो जाए और वो राज़ी कैसे होता है उसकी मखलूक को राज़ी करो पैगाम और पैगाम लाने वाले को अलग नहीं किया जा सकता जैसे अल्लाह आलमीन है इसी तरह अल्लाह रहमतुल आलमीन है आलम के लिए रहमत है इसमें यह सवाल नहीं कोई मानता है या नहीं मानता न सवाल इसका ये है कि यह हिंदू है मुसलमान है कैसा है यह सवाल नहीं वो तमाम आलम के लिए रहमत है जैसे ला के साथ मोहम्मद रसोल्ला है इस्लाम ला ला का नाम नहीं मोहम्मद रसुल्ला का नाम है इसमें बढ़ाने का सवाल नहीं बढ़ाया उसको जाता है जिसमें कमी होती है अल्लाह ताला तुरन मजीद फ़ुरान हमीद में फरमाता है सूरत हशर की आखिरी आयतों में अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता और ये कुरान सरकार मोहम्मद सल वम पर नाजिल किया गया है इससे आपकी अजमत का अंदाज़ा करें और ये सवान हयात सरकार दो महमद की है इस किताब का नाम सरत मोहम्मद मोहम्मद औरबी सल वम है मुझे लिखने और पढ़ने की सदादत बख्शी है अब मैं अपनी बायोग्राफ़ी चाहता हूँ कि मैं बयान करूँ मैं इस जगह कैसे पहुँचा मेरी फ़िक्र की रोशनी का बहाव मेरे वजदान की कैफियत अर्ज मुफ़ आदिम का नाम अख्तर हुसैन वल्द सैद न्याजन आबदी महलान सारियान सहनपुर यह मेरी पैदाइश की जगह रूहानी नाम अख्तर मीद आबदी है मैं इंग्लैंड में क़्याम पजीर हूँ प्रोफेशन मेरा इलाज करना था मैं हमत से इलाज भी करता था और डिवाइन हीलर के नाम से मशहूर हूँ मेरी फिक्र ने कहा ए विजनरी अपनी थोड़ी सी बायोग्राफी बयान कर कैसे इस जगह पहुँचा मेरा यंग ज़माना था मेरी मुलाकात लाइब्रेरी में एक बुज़ुर्ग आर से हुई जब मैंने देखा तो हाथ में अंगूठी पहने हुए थे एक हकीक़ की और फिरोज़े की मेरी फिक्र ने कहा कि ये सादात से हैं मैंने बातचीत की तारुफ कराया उन्होंने पूछा साहबजादे कहाँ के रहने वाले हो मैंने कहा हजुर मैं सहानपुर का रहने वाला हूँ किसके प्रजंद हो मैंने बतलाया आपने फरमाया मुझे नहीं पहचानते मैंने कहा नहीं कि तुम्हारे बहनोई का नाम अफजल हैदर काजमी है मैंने कहा जी हाँ कि मेरे अपने अज़ीज़ हैं मेरी फिर मुझे उन्होंने खाने पर घर बुलाया मेरे ख्यालात मेरे ज़िक्र फिक्र की सारी मालूम जब की तो उन्होंने कहा कि एक वजीफ़ा कर लो मैंने वजीफा ख़त्म होते ही सरकार की जीारत की और मुझे तोहान हयात नश्र वशात की बख्शी और इसकी तफसील मैं आगे बयान करूँगा लेकिन मैंने हाफ़ सेंचुरी लगा दी इस जगह पर पहुँचने के लिए जहाँ मुझे पहले जाना चाहिए था बहरहाल मेरे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने असमाय हसना की नक्श की तालीम दी ये मेरे लिए उस ज़माने में काम मुश्किल था मैंने हंड्रेड बाई हंड्रेड बनाया जो मेरे बुज़ुर्ग ने नहीं बनाया था फिर तकदीर ने रंग बदला मैं मरी पहुँचा और एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग हाथ में दिया लिए हुए एक कच्चे कोठे से बाहर तशीव ला रहे हैं रोशनी उनके चेहरे उनकी दाढ़ी पर पड़ रही है मुझे जस्तुजी हुई ये कौन थे हर एक से यही सवाल करता था मैंने ये देखा मैंने ये देखा लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कौन है मैं चाहता था कि जो मेरे बुज़ुर्ग ने तालीम की थी ये मैं बयान कर दूं। लेकिन साथ में ये भी चाहता हूँ कि इल्म दुनिया में बाकी रहे बहरहाल वो वक्त पहुंचा, एक साहब जिक्र कर रहे थे कि एक बुज़ुर्ग पहाड़ के दामन में बैठे हैं तकदीर बदल देते हैं और वो हुकुमत तो बदली करते हैं क्योंकि मैं इसी रास्ते में था मेरी ख्वाहिश मिलने की हुई और मैंने बड़ी खुशामद की कि मुझे साथ ले चलो वो मुझे साथ ले गए सर्दियों के दिन थे एक कच्चा कोठा था आदमी बैठे हुए थे बीच में एक स्टोव जल रहा था जिसकी चिमनी ऊपर जा रही थी नीचे गोल ड्रम की शक्ल का था इसमें एक औरत बैठी हुई बार बार लकड़ियाँ डालती थी ये तहरीर करता चलूँ ये बयान कर दूँ ये हॉलीडे प्लेस का जिक्र कर रहा हूँ जिसको मरी कहते हैं बर्फ़ फुटों के हिसाब से गिरती थी लोग राह गुजरते हुए आते थे और खाना खाते और चाय पीते थे सामने एक अंदर कमरा था जहाँ स्टोव लगा हुआ था आदमियों के साथ कुत्ते ही कुत्ते बैठे थे दूसरे लफ्ज़ों में आदमियों से ज़्यादा कुत्ते नज़र आते थे जब मैं अपने साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ मैंने वही मंजर देखा हाथ में दिया लिए हुए बाहर तशीव लाए इस छोटे कमरे से और मैंने सुना था कि अंदर सोने की जगह के साथ कब्र भी खुदी हुई है जो उन्होंने खुद बनाई थी जब मैंने पहली बार देखा तो मैं बिक गया अगर तफसील तहरीर करूं तो एक अलग किताब बन जाए ये पहली दफ़ा का वाक़ सुना रहा हूं। जब मैं अंदर उनके साथ गया जो मेरे साथी थे मुझे साथ लाए थे सब इधर उधर बैठ गए मेरे लिए कोई जगह ना रही मेरा यंग ज़माना था अकल भी कम थी अदबो आदाब न जानता था मैं बगैर सोचे समझे उनकी जगह पर बैठ गया हजार दाने की तस्वीर पड़ी हुई थी ये वो जानमाज वो ही बिस्तर और वही चटाई थी साथ में एक औरत रोटी पका रही थी और साईं जी के हाथ में देती थी वो हर एक को एक रोटी सालन पर रख कर देते थे एक बात खास बात ख़ास थी कि जब मैं अपने साथियों के साथ था आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि एक बात याद रखना वो बात नहीं करते वो रोटी जब दें तो इनकार न कर देना ये गलती ना करना और उनको साईं जी कहते हैं जब मेरा नंबर आया तो रोटी को मैंने देखा बहुत बड़ी रोटी है कैसे खाऊंगा मेरे साथियों ने बताया था कि किसी तरह भी इनकार न करना खा लेना मैंने दिल में सोचा मेरा तो पेट ख़राब हो जाएगा जी मुंह पर करके बोलते रहते थे वो बोले इस खाने में कोई ख़राबी नहीं खराबी तेरे अंदर है जब मैंने मेरे दिल की बात की जवाब दिया और मैंने सुना मैं तो पहले ही बिक चुका था मैंने रोटी खाई और मेरे साथी कहने लगे कि चलो इस तरह लोग आते थे बगैर बात किए खाना खा कर चले जाते थे मुझे अंदाजा हुआ कि वो दिल की बात हर एक की करते थे इसका गोल मोल हल बताते थे और वो मुँह पर करके बोलते रहते थे एक ख़ास बात ये कि एक आदमी वहाँ आता था जो साईं जी के बहुत करीब था उससे वो बात भी करते थे वो डायरी तहरीर करता था एक रोज़ गर्मियों में बैठे थे साइं जी अपने बाग में काम कर रहे थे तहरीर करता चलूं साएं जी जंगलात वालों को दरख्तों के ज़रिए मदद करते थे कि एक लाख दरख्त चीड़ के दिए दो लाख दरख्त दिए जी पनीर लगाते थे चीड़ के दरख्तों की और दरख्तों के बारे में बड़ा इल्म रखते थे इनका बाग फ्रूट से भरा हुआ था तो बात डायरी तहरीर करने वाले की चल रही थी वो मेरे साथियों को सुनाने लगा डायरी तहरीर करने वाला सुना रहा था कि जब मैं सोलह बरस का था तो मैं पोस्टमैन भर्ती हुआ था और खत देने आया और खाना खाया बस मैं घर में आते जाते चाय पीता साईं जी ने मुझे डायरी तहरीर करने के लिए पसंद कर लिया मैं साईं जी का मुंशी हो गया बस काम से आते जाते बैठता था और डायरी तहरीर करता था वो सुनाने लगा अब मैं रिटायर हो गया हूँ मैं 16 बरस की उम्र में आया था उस वक्त साईं जी जब आए थे मैंने इनका शुरू का ज़माना देखा था कैसे कोठा वग़ैरह बनाया गया जब आए थे बिल्कुल ऐसे ही थे इस तरह मालूम नहीं कि साईं जी की कितनी उम्र है मैं 16 बरस से पैंसठ बरस में रिटायर हो गया हूँ कोई कहता था 200 सौ बरस की उम्र कोई ज़्यादा बताता था इसके अलावा साईं जी ये बात पोस्टमैन से रोज़ाना पूछते थे तू बता मैं पाकिस्तान में हूँ या हिंदुस्तान में ये बात साईं जी की समझ में नहीं आती थी एक और बात तहरीर करता चलूँ बतलाता चलूँ साईं जी मुँह पर करके बोलते थे तो ये भी कहते थे दाल दौलखुलाफा होगा मास्को दाल दौलखलाफा होगा ये तकरार करते रहते थे अब मैं इस राज को जानता हूँ साईं जी की ख़ास बात तहरीर कर दूँ <coughs> एक मौलवी आया किसी के साथ जब कुत्ते ही कुत्ते देखे कहने लगा लाहौल वलाक़ूत लाभ बिल्ला ये इतने आहिस्ता से कहा कि किसी ने सुना भी नहीं किसी ने सुना किसी ने नहीं बस साईं जी ने उस पोस्टमैन से पूछा असा ने कोई दावतनामा इनको भेजा है पहले तो वो हैरान हो गया कि क्या कह रहे फिर जवाब दिया नहीं हजूर फिर आप ही आ गए क्योंकि तो इनको यहाँ खाने को मिलता है फिर साईं जी बोले तू बता मैं इनको को छोड़ा वो खामोश हो गया फिर बोले मेरी तरफ़ से आदमी खाए, या जानवर खाए, मेरा इंतज़ाम खाना खिलाना इस पर मौलवी आगे बढ़ा कदम चूमे कहने लगा मुझे माफ़ कर दें बस एक दफ़ा मैंने भी जी से बात की एक दिन कुत्तों की गिनती करने लगा साईं जी देख रहे थे कुत्ते कभी इधर से इधर इधर से इधर बैठते थे गिनती करने मुश्किल हो रही थी तब साईं जी ने पूछा शाह कितने हुए मैंने जवाब दिया हजूर अस्सी वो बोले फिर गिनती कर मैंने गिनना शुरू किया फिर मैंने मुझसे पूछा मैंने बतलाया हजूर एक सौ दस हो गए आपने फरमाया इनके ख़ानदान भी हैं एक ख़ास और वाकया तहरीर कर दूँ एक दिन सर्दियों का मौसम था ये हालात मैं बरसों के सुना रहा हूँ बरसों साईं जी के पास में आता जाता रहा सर्दियों का मौसम था सुबह खाने का वक्त था खाना खाया फिर साईं जी बोले उस पोस्टमैन से जा अंदर जा मेरा रजिस्टर लेके आ वो अंदर गया जहाँ कब्र बनी हुई थी फिर आपने मुझे बुलाया चाह इधर आ सब आदमियों ने कहा जाओ सामने बैठो आ तुझे बैद करूँ आपने मेरा हाथ अपने हाथ में रखा और ज़ोर से बोले मंजे पाक बारह इमाम चौदह मासूम का कानून मंजूर है अब सब आदमी कहने लगे जोर से बोलो कि मंजूर है और जल्दी बोलो मैंने कहा जोर मंजूर है फिर वो बार बार दोहराते रहे और ये बार बार सारे आदमी कहते रहे कि जल्दी कहो ये साई जय की दास्तान फिर मैं सियालकोट गया जिंदगी की परेशानियों में मुबला हो गया रात को साईं जी को देखा अंदर कमरे में और बाहर वाले कमरे में मैं हूँ साईं जी तख्त पर हज़रत सलाम के साथ बैठे हुए हैं बाहर तशीफ लाए और कान में आहिस्ता से कहा कि लाहौर चला जा कल क्योंकि अंदर दरबार हो रहा था हज़रत सलाम का इसलिए आहिस्त से मेरे कान में बात की फिर मैं इंग्लैंड में था जब मैंने इल्म का नक्श बनाया तो साईं जी भी तशीफ लाए आपने फरमाया शाह हमारे उर्स पुराना और हमने गुलाम हैदर ख़ान को भी बुलाया है अब मैं ग़ुलाम हैदर ख़ान के बारे में बयान कर दूँ वो सर्वे के आला अफसर थे सर्वेयर जनरल थे उनका नाम ग़ुलाम हैदर खान था और रूहानियत में भी आला मुकाम पर थे आपके लंगर में सौ आदमी रोज़ाना खाना खाते थे उस ज़माने में आपकी रूहानियत से मैं फैज़ याब हुआ आपके रहबर मंडी भाउद्दीन के रहने वाले थे एक मरतबा आप त लाए दो पाँव पर बगैर हरकत किए हुए बैठे रहते थे दिल से हो की आवाज़ निकल आ, मुसलसल आती रहती थी मैंने देखा कि हर आने वाला उनके पाँव को एक या दो दफ़ा दबाता है और फिर बैठ जाता है मैंने जियत खान साहब से अर्ज की गरीब नवाज़ मैंने तो ऐसा नहीं किया आपने फरमाया जब सब आदमी नमाज को जाएं तो तुम भी ऐसा ही करना यानी पाँव दबाना मैंने ऐसा ही किया एक दो दफ़ा दबाने पर मालूम हुआ कि आपका गोश्त बिल्कुल नहीं है बस चमड़ी और हड्डी है दो दफ़ा दबाने के बाद छोड़ दिया फिर मैंने ख़ान साहब से पूछा कि गरीब नवाज ये नमाज़ नहीं पढ़ते आपने फरमाया ये करबला ही में पढ़ते हैं मैंने जवाब में कहा फिर तो बरसों में एक आध दफ़ा ही पढ़ते होंगे आपने फरमाया जब रात को बाहर जाते हैं तो लोग इनके क़दमों के निशान ढूंढते हैं कहाँ से गायब हुए हैं अब मैं मुख्तसर जनरल की बात और बयान कर दूँ मेरी तहरीर ग़लत बयानी में ग़लत बयानी की गुंजाइश नहीं ये रूहानी किताब है ये सरकारी आलम के इस सवान हयात है इसमें गलत बयानी की गुंजाइश नहीं ये बेगिन या गांधी जी की सवान हयात नहीं मेरी तहरीर मेरी फिक्र की रोशनी का बहाव है हैदर ख़ान इंग्लिश दौरे हुकूमत में सर्वे के आला अफ़सर उस भी थे आपकी ड्यूटी नागपुर में थी आपका ऑफिसर अंग्रेज़ था एक दिन ये साइकिल पर काम से जा रहे थे रास्ते में एक ट्रक आया टक्कर मार दी आप फरमाते थे मैं मसलनवी मौलाना रूम पड़ता हुआ जा रहा था फिर मुझे लोग उठाकर हॉस्पिटल ले गए सर्वे के आ सारे ऑफिसर आए ट्रक वाले के साथ क्या हुआ ये तो अल्लाह ही जानता था छोटा सा शहर था सारा शहर उमड़ाया, आपको डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया आपका ख़ानदानी नौकर आपके साथ था आपको के चारों तरफ बर्फ़ की सिले लग लगा दी गई और घर वालों को तार दे दिया उस वक्त तीन दिन में लाहौर से नागपुर सफर होता था खान साहब की माँ और भाई आए जब माँ और भाई आए तो सर्वे के ऑफिसर भी मौजूद थे खान साहब की माँ ने सीने पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाई ग़ुलाम हैदरा आवाज आवाज़ गूंजी और ख़ान साहब उठकर बैठ गए ये मंज़र देखकर सब भाग गए चाहे उनके अंग्रेज ऑफिसरों के भाई नौकर और माँ और ख़ान साहब ने दिखलाया एक खून का कतरा ज़मीन पर कि देखो फिर अंग्रेज़ ऑफिसर ने पूरे हालात पूछे तो ख़ान साहब ने फरमाया कि मैं बार बार ये कह रहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं था इसके बाद एक ज़मीन पर गोल दायरा बनाया गया मिट्टी की लिपाई की गई उसमें हजरत मरियम तशीफ लाई पालकी में फिर दूसरा दायरा बनाया गया मिट्टी के से लिपाई की गई और हजरती साथ तशीफ लाए और उन्होंने मेरे जिस्म से एक खून के कतरे को निकाल कर फेंक दिया और कहा बस ये नाकस रह गया था और कहा उठ उठो और मैं उठकर बैठ गया ये वाक़ हैदर साहब की फ़ाइल में तहरीर है दरअसल मेरी तहरीर मेरी फ़िक्र की रोशनी का बहाव जैसे जैसे मुझे आया मैंने तहरीर किया और बयान कर रहा हूँ इसलिए तसलसिल तो से एक वाक़ तहरीर नहीं होता मैं तहरीर कर दूँ मैं बयान कर दूँ कि वो आम आदमी नहीं थे ये रूहानियत के अलादे पर फाइज थे और फिर मैं अली हैदर साहब का वाक़ बयान करूं, जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था जो हमारे रिश्तेदार थे अली हैदर साहब तर्जुमान थे अफ़ग़ानिस्तान में अमान बादशाह के ज़माने में आप बादशाह के साथ रहे थे आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अफ़ग़ानिस्तान में गुजारा आपकी तर्जुमानी में ये ज़माने में मज़ार से एक रहा हुआ उस मज़ार को शहज़ादे कहते हैं ये अलैहि वसल्लम की पाँचवीं नस्ल में से थे मुझे ठीक से आपका शजरा मालूम नहीं शहज़ादे को इसी लकब से सुना है जब मजार में जाते थे तो बातचीत होती थी अब आप मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ एक दिन अली हैदर साहब खैरपुर से जहाँ आपकी रिहाइश थी तशीब लाए और मेरे भांजे के यहाँ प्याम हाँ पजीर थे मैं लंदन से गया हुआ था मेरी फैमिली भी वहीं थी जब मैं अपने भांजे के घर पहुंचा तो मेरे साथ ब्रिगेडियर अब्बास भी थे आप सामने बैठे हुए थे लोगों का अज्तम था एक साहब ऐसे ही हिसाब किताब कर रहे थे अली हैदर साहब ने मज़ाक से फरमाया भाई कोई हमारा भी हाल बताओ फिर फरमाया ए बिरामन तू बता मेरा यार मुझसे मिलेगा कब तू यूँ कहे खुदा करे इसी साल इसी माह में मैंने जवाब में कहा या से आलू होता है कि बहुत अरसा हो गया शहज़ादे की मुलाकात को तो आपके आंसू निकले कि तीन वर्ष हो गए जब से अफ़ग़ानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई मैं नहीं जा सका मैंने अर्ज़ की या से वफा हो तो ऐसी हो कि अस्सी बरस आने जाने में गुजार दिए फरमाया मेरा काम बनते बनते रह गया मेरा भांजा बोला मामू ये मालूम है क्या फरमा रहे मैंने कहा नहीं ये तो अफ़ग़ानिस्तान में चल बसे थे मेरे भांजे ने तफसी सुनाई पूरा वाक़ ऐसे सब भाई हम साथ थे शहज़ादे की जियारत के साथ में ये जगह रशियन बॉर्डर के करीब है चश्मा बह रहा था हम सब नहा रहे थे नहा कर बाहर तशरीफ़ लाए कपड़े पहने आपने फरमाया भाई मैं जा रहा हूँ मेरा बुलावा आ गया अब सब ने देखा तो जा चुके थे रो ना पीट ना करने लगे इलाके के आदमी आ गए उनको कहीं से चारपाई ढूंढ कर लाए और चारपाई और ले कर जा रहे थे मैंने अपने भांजे को कहा ज़रा आप खामोश रहो मैंने कहा या सैदी आप फरमाएँ आप बतलाएँ आपने फरमाया ये बहुत चिल्ला रहा था मेरा हाथ चूम कर रो रहा था कोई दहाड़े मार रहा था और मैं पीछे पीछे जा रहा था ये मुझे शहजादे के मज़ार में ले गए शहजादे भी खड़े हुए थे मैंने सलाम अर्ज़ की और उनके साथ मलंग भी था जो वहाँ की देखभाल करता था ख़ास बात यह कि फरमाने लगे वो मलंग अंदर हमारे साथ भी था और उन लोगों के साथ में भी था उनको दिलासा भी दे रहा था वो बार बार कह रहा था शहजादे इसको वापस कर दो मैं इनको क्या जवाब दूँ वो बहुत इल्तज़ा कर रहा था कि वाह फिर मुझे वापस और मैंने अल्जा की मुझे वापस ना करो शहज़ादे ने फरमाया अब तुम चले जाओ हम फिर तुम्हें बुला लेंगे ये अली हैदर साहब की मुख्तसर दास्तान है अगर तफसील से तहरीर की जाए तो एक अलग किताब बन जाए आपने ये बात बार बार दोहराई कि मलंग अंदर भी था और बाहर इनके साथ भी और मैं सिर्फ अंदर ही था और बाहर इनके साथ मेरा ढांचा था ये बात इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपके इल्म और वजीफ़े ही की तालीम से मैं इस जगह पर पहुँचा मैंने मंजिल अव्वल और मंजिल दो मंजिल सोएम में भी इसका बयान किया मैंने एक किताब डिवाइन प्रोफेसी डिवाइन तहरीर की वो पूरी दुनिया के मुल्कों के हालात के मुतालिक है इस किताब में साफ साफ तो मैं तहरीर नहीं कर सका क्योंकि ये आदमी कोई भी चाहे वो देख सकता है इसमें तमाम दुनिया के हालात हैं और आइंदा आने वाले के लिए ये आस्टेंस नहीं ये हमेशा प्रजेंट रहेगी इस किताब में मैंने जो तहरीर किया वो गलत नहीं हो सकता सिर्फ समझने की ज़रूरत है मैं ये बयान कर दूँ ये किताब नैमरोलॉजी नहीं है कम इल्म वाले इसको अगर ना समझे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते ये कदीम क़िल्म है जो जानते हैं वो सब गुजर गए मैं इस पुराने ज़माने का आखिरी आदमी हूँ मैं चाहता हूँ दुनिया में इल्म बरकरार रहे ये सवान हयात के लिए तहरीर किया है यहाँ मैं इस वाक़े को तहरीर कर रहा हूँ कि मुझे मसरत पर कैसे बिठाया गया ये हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग अली हैदर साहब खैरपुर वाले तशीफ लाए ये बात मेरे बचपन के ज़माने की है मुख्त मौजूआत पर गुफ्तु हुई आपने पढ़ने के लिए तालीम फरमाई मेरे बचपन का ज़माना था नक़ल थी ना इल्म था ना सोच में पुख्तगी थी मैंने पढ़ना शुरू किया ये मैं चाहता था कि मैंने जो पढ़ा तहरीर कर दूं। मैंने मंजिल दो में भी तहरीर किया है इस किताब में इसको तहरीर करना या बताना मुनासिब नहीं समझता अब खुद अंदाजा हो जाएगा दायम ने अपने शार में जिक्र किया है कि एक तोती कैद हो गई पिंजरे के अंदर कलमा पढ़ती रही हजार मरतबा लेकिन पिंजरा ना टूटा जब मर्द मोमिन ने पढ़ा इजाज़त दी तो पिंजरा टुकड़े टुकड़े हो गया इसलिए मेरा बतला देना बेकार है मर्द मोमिन की तलाश कर मैंने सात दिन का वजीफा किया सातवें दिन ख्वाब में देखा ये लफ्ज़ बल्फ तहरीर कर रहा हूँ और बयान कर रहा हूँ दुनिया जमा हो रही है शोर है कि रसुल्लम तशीब ला रहे तमाम आदमी एक कतार में खड़े हो गए मैं भी आखिर में खड़ा हो गया तमाम आदमियों ने अपनी गर्दनें नीचे करके खड़े थे और मैं भी फिर आप एक दो फिट ऊंची कब्र में लेट गए उसमें ज़र्द रंग की मिट्टी भरी हुई थी अब तमाम आदमी आगे बढ़े और हर आदमी रंग की मिट्टी डाल रहा था आपकी कब्र की शक्ल में बना दिया <स्थाँगा> मैं देख रहा था खड़ा हुआ सब अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो गए आपने फरमाया मैं उठना चाहता हूँ अब मैं अकेला था मैंने कब्र से मिट्टी हटाई आपके जिस्म से मिट्टी को हटाया मैंने मुंह और सीने से हाथ साफ की फिर आप वहाँ से उठे और दाहिनी तरफ एक चौकी बनी हुई थी आप पाँव के बल बैठ गए यानी ओकड़ू हजरत जब्राही एक पानी की बाल्टी लेकर सामने आए और बाल्टी सामने रख दी मैं देख रहा था आपने मुंह धोया दोनों जुल्फ़ों को कान के पीछे किया और बा आवाज़ बुलंद फरमाया अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दो आज रस्म अदा नहीं होगी कुरान की वशात का सिलसिला जारी रहेगा यह वाकया मैंने अपने बुजुर्ग से जिक्र किया।, किया आप बयान किया आप फरमाने लगे कि अगर रस्म अदा हो जाती तो बहुत अच्छा होता बहरहाल इस सवान हयात का ये आगाज़ है गोया इस मिट्टी को हटाने में मैंने हाफ़ सेंचुरी लगा दी ये राज तय मसनद का था अब भी मैं मसनद के काबिल नहीं हूँ मेरे रेगो रेशे में सरकार की मोहब्बत है जो आपकी सवान हयात दुनिया ने तहरीर की जहाँ मेरी रोशनी गलत बता रही है मैंने वो निकाल दिया है न मैं शिया हूँ न सुन्नी हूँ न कादियानी हूँ न हूँ मैं वहाँ भी ख़ाक से बना हूँ हूँ मैं अबू भी। ये मेरी मुख्तसर बायोग्राफी है Stay tuned for the next podcast.